खिलाड़ी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी आईपीपीस हैं उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। अगर आप फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराते तो आपको क्या पता लगेगा कि क्या हो रहा है। आईपीपीस दुनिया में लगते हैं पावर प्लांट यार, यहां पर 4 सेंट का भी पावर प्लांट लगा हुआ है, 16 सेंट का भी पावर प्लांट लगा हुआ है, उसमें क्या रीजन है, उसके अंदर ऐसा क्या काम हो गया है? ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो गया है। और ये जो काम हो गया है, हम ही नहीं हमारे आने वाली नस्लें बर्बाद हो गई है इसके ऊपर। हमारे आने वाली नस्लें इस वक्त तो बच्चे पाकिस्तान में काम ही करना चाह रहे, बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं, बाहर कारोबार बनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं बच्चे बाहर जा रहे हैं तो क्या करें यहां पर यार? यहां पर जब आप उसको एनेबलिंग एनवायरमेंट नहीं देंगे तो कहां से कोई काम करेगा यहां पर? तो इसलिए मेरी आपसे आपसे डिमांड है आज कि इस मसले का हल निकाला जाए। 40 लोगों को मत बचाएं 40 लोगों के चक्कर में, मैं तो नहीं कह रहा, उसको रीनिगोशिएट करने की हम बात कर रहे हैं। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीनिगोशिएट कर दीजिए, इस मसले का हल हो जाएगा। आपका कोई मीडिया का सवाल हो इख्तियार में, एक बैंक एस्टैब्लिश हो चुके हैं, प्रूफ आ चुका है, जो $50 मिलियन का प्लांट था वो $100 मिलियन में लगाया गया है और उस पर 17% गारंटी इक्विटी पिछले 20 सालों से ले रहे हैं, पूरा रिटर्न इन्वेस्टमेंट और रिटर्न आ चुका है। तो लीगल जो आप 40 आदमी वो हमारे कुलीग होंगे, दोस्त होंगे, आज हम बहुत बुरे लग रहे होंगे उनको, लेकिन 240 मिलियन लोग जो है ये मर जाएंगे, इधर बदर हो जाएंगे, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और इंडस्ट्री एक बार बंद हुई, धुआं निकलना चिमनी से बंद हुआ, फिर दोबारा नहीं जलता।